रायगढ़ से आपको बता दें, रायगढ़ से इस वक्त की एक बड़ी खबर, जहां पर दिन दहाड़े बैंक में लूट की गई है। बड़ी खबर रायगढ़ से आपको बता रहे हैं, दिन दहाड़े बैंक में लूट की वारदात सामने आई है। टिमरापुर चौक स्थित एक्सिस बैंक की यह घटना है। आपको बता दें, टिमरापुर चौक के एक्सिस बैंक की यह घटना है। 3 से 4 हथियारबंद लोगों ने घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें, रायगढ़ के ढिमरापुर चौक स्थित एक्सिस बैंक में यह घटना हुई है। 3 से 4 हथियारबंद लोगों ने घटना को अंजाम दिया है। कितने की लूट हुई है, अभी पुलिस की जांच कर रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। सीसीटीवी फुटेज और मैनेजर के बयान के आधार पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। सुबह बैंक खोलने के दौरान नकाबपोश कुछ लोग हथियारों के साथ बैंक में घुसे और इस वारदात को अंजाम दिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। दिन दहाड़े बैंक में लूट की वारदात हुई है। मौके पर एसपी के साथ रायगढ़ पुलिस मौजूद है। दिन दहाड़े बैंक में लूट की घटना सामने आई है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। रायगढ़ के ढिमरापुर चौक स्थित एक्सिस बैंक की यह घटना है। आपको बता दें, 3 से 4 हथियारबंद लोगों ने घटना को अंजाम दिया है। कितने की लूट हुई है, अभी पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है। सुबह बैंक खोलने के दौरान नकाबपोश कुछ लोग हथियार के साथ बैंक में घुसे और इस वारदात को अंजाम दिया है। सीसीटीवी फुटेज और मैनेजर के बयान के आधार पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें, कोतवाली थाना क्षेत्र, रायगढ़ के कोतवाली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। मौके पर एसएसपी के साथ रायगढ़ पुलिस मौजूद है। दिन दहाड़े बैंक में लूट हुई है, पुलिस जांच में जुटी हुई है। रायगढ़ के ढिमरापुर चौक स्थित एक्सिस बैंक की यह घटना है। सीसीटीवी फुटेज और मैनेजर के बयान के आधार पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। मौके पर एसएसपी के साथ रायगढ़ पुलिस भी मौजूद है। कितने की लूट हुई है, इस बात की जांच में पुलिस जुटी हुई है। बड़ी खबर रायगढ़ से आपको बता रहे हैं, दिन दहाड़े बैंक में लूट की वारदात सामने आई है। रायगढ़ के ढिमरापुर चौक स्थित एक्सिस बैंक की यह घटना है। 3 से 4 हथियारबंद लोगों ने घटना को अंजाम दिया है। सुबह बैंक खोलने के दौरान नकाबपोश कुछ लोग हथियार के साथ बैंक में घुसे और इस वारदात को अंजाम दिया है। कितने की लूट हुई है, इसकी जांच अभी की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज और मैनेजर के बयान के आधार पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। मौके पर एसएसपी के साथ रायगढ़ पुलिस मौजूद है और मामले की जांच में जुटी हुई है। कितने की लूट हुई है, इस बात की खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रंजीत चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी रंजीत, बताएं कि दिन दहाड़े बैंक में लूट हुई है, कितने की चोरी हो गई होगी? जी, ये जो पूरा मामला है रायगढ़ के ढिमरापुर स्थित एक्सिस बैंक का, ये जो घटना है लगभग सुबह 9 बजे की घटना है। जब बैंक खोला जा रहा था, तब जो है लगभग 6 जो नकाबपोश हथियारबंद बदमाश थे, उन्होंने ये बैंक में जो है ये रॉबरी की घटना को पूरी तरीके से अंजाम दिया हुआ है। अभी तक जो है कितने की जो रकम की जो है लूट हुई है ये सामने नहीं आ पाई है। लगातार पुलिस इसमें गहन जांच कर रही है। मैं भी मौके घटना पर मौजूद हूँ और बैंक के अंदर जो है वरिष्ठ अधिकारी डीआईजी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, एसएसपी हैं, साथ ही साथ रायगढ़ पुलिस के तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और इस विषय में लगातार जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के द्वारा जो है बदमाशों का जो है छानबीन किया जा रहा है और चूंकि नकाबपोश से तो इसकी पहचान अभी तक हो नहीं पाई है, किंतु इस विषय में जो है रायगढ़ पुलिस द्वारा लगातार जांच की जा रही है और जैसे ही ज्यादा जानकारी और कुछ अपडेट सामने आएगा तो रायगढ़ पुलिस द्वारा बताया गया है कि जल्द ही सभी को जानकारी दी जाएगी। जी बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर रायगढ़ से आपको बता रहे हैं, जहां पर दिन दहाड़े बैंक में लूट की घटना हुई है। रायगढ़ के ढिमरापुर चौक स्थित एक्सिस बैंक की यह पूरी घटना है। 3 से 4 हथियारबंद लोगों ने घटना को अंजाम दिया है।